डॉक्टर महेश चाय जी, मैं बताती हूँ आपने कितने लोगों का फायदा किया है। जिग्नेशर बनने के बाद में आपने सबसे पहला फायदा किया है, अपने प्राइवेट घर में आपने एक बैडमिंटन क्लब बनाया है। उसके बाद में आपने एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाई है तेजू टाउन में। आपकी पूरी जिंदगी में आपकी डॉक्टर की प्रोफेशन की सर्विस लेंथ में आपने वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाई। जैसे आप मिनिस्टर बन गए तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? 2019 के इलेक्शन के बाद आप शादीशुदा इंसान हो, परिवार वाले हो, बच्चे वाले हो, अपने बीबी और अपने बच्चे को छोड़ करके आप हमारी एक लेडी को, एक इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर को लेकर के आप थाईलैंड भाग गए। बड़ा भाई डॉक्टर महेश चाय जी, आप मेरे भाई हो, क्योंकि आप अरुणाचल के बेटे हो और मैं अरुणाचल की बेटी हूँ, इस नाते हम में भाई बहन का रिश्ता है। भले ही आप ईस्टर्न अरुणाचल से हो, मैं वेस्टर्न अरुणाचल से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाया है। इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि मेरे ऊपर पूरी रिसर्च कर डाली। और आपका जो प्रेस ब्रीफिंग था करप्शन के मुद्दे को लेकर के नहीं थी, बल्कि तोको शीतल को लेकर के थी। आपने जो भी बोला, जितनी बार बोलने की कोशिश की, आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। एक फिल्म आपने बनाया तची गांबो एंड टीम का, दूसरा फिल्म बनाया पुंचो टापुक एंड टीम का। तो आपकी दोनों फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई है, ब्लॉकबस्टर तो छोड़ दीजिए, छोटा सा वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पर भी नहीं चला, तो पर्दे पर तो आने से रह ही गए, छोड़ दीजिए। फिर भी मैं अपने भाई महेश जी को, उनके कुछ सवालों का जवाब लेकर के आई हूँ और उनसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ आज के इसके हमारे धरने के 9वें दिन के धरने के जंतर मंतर के ऑफिशियल प्रोटेस्ट साइट से। तो डॉक्टर महेश चाय जी, यू एज ऑन कैपेसिटी ऑफ द एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट एज वेल एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपने जो प्रेस वार्ता किया, आपने बोला तोको शीतल एक पॉलिटिकल पार्टी से अपीलेटेड रह चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी से अपीलेट रह चुकी है, तो वो अगर खुद को सोशल एक्टिविस्ट बोलता है या फिर करप्शन के इशू पर चर्चा करता है तो हम उसको कैसे मानेंगे, ये आपने कहा। तो महेश चाय जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहती हूँ। कल अभी भी आप रिसेंटली आप इलेक्शन हारे हुए बंदे हो और इलेक्शन हारने के बाद भी आप सरकार के साथ जुड़े हुए हो, पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, तो आप पार्टी के हित के लिए बात कर रहे हो, सरकार के हित के लिए बात कर रहे हो, तो क्या इसको मैं क्या कहूँ कि जो बंदा इलेक्शन हारता है, जो बंदा कभी पॉलिटिकल पार्टी में रह चुका होता है, वो क्या सामाजिक कार्य नहीं कर सकता? क्या वो सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते? पॉलिटिकल लीडर्स किस लिए होते हैं समाज में, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए काम करने के लिए। तो आपका लीडर होने का क्या मतलब है अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो? जरूरी ये नहीं कि जो जीतता है वही केवल सोसाइटी के लिए काम कर सकता है। क्यों, हारा हुआ बंदा सोसाइटी के लिए काम नहीं कर सकता? हारा हुआ बंदा समाज के हित के लिए आवाज नहीं उठा सकता? मैं सीना तान कर बड़े गौरव से कहती हूँ कि यस, मैं दो बार इलेक्शन हारी हूँ और कभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट भी रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, वुमेन प्रेसिडेंट रही हूँ, मेरी अपनी छोटी सी जिंदगी की छोटी सी सफर में, छोटी सी मेरी जर्नी में, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। आपके रिसर्च में अगर एक दो चीजें कमी रह गई हो तो मैं स्पष्ट रूप से अपनी तरफ से बता दूं कि मैं सबसे पहले जब मैं जिला परिषद मेंबर के लिए कॉन्टेस्ट किया था, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट चाहिए था, तो मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में गई। उस समय आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का रूलिंग था हमारे स्टेट में, तो मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में गई और वहां से मैंने टिकट लिया और मैंने जेडपीएम कॉन्टेस्ट किया। दुर्भाग्यवश मैं हार गई, उस वक्त के लिए दुर्भाग्यवश, आज के लिए सौभाग्यवश, क्योंकि अगर मैं तब जेडपीएम जीत जाती तो आप लोगों का गुलाम बन जाती, करप्टेड गवर्नमेंट का गुलाम बन जाती, जो कि मैं आज नहीं बनी। इसके लिए मुझे बहुत फक्र है अपने आप पर। अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। तो मेरे इलेक्शन हारने के बाद उन पार्टियों ने मुझे बहुत इज्जत दिया, प्यार दिया और मुझे स्वीकार किया, मुझे वेलकम किया, और उसके बाद में मुझे पार्टी का स्टेट
टेक यूनिट का महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। तो मेरी लाइफ की शुरुआत में मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की वुमेन प्रेसिडेंट रही स्टेट में। उसके बाद में 2000 के नौ चुनाव आते आते मैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की महिला प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद इलेक्शन के बाद जब 5 नंबर ऑफ एमएलएस जीत कर आए तो ममता दीदी ने अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे सिर पे रखा, मुझे पार्टी का स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया तृणमूल कांग्रेस की। उसके बाद जैसे कि पिछली बार भी मैंने बताया था, हमारे 5 एमएलए जीत कर आए तो उनमें से 4 एमएलए 2 साल के बाद कांग्रेस को भाग गए। एक अकेला एक लौटा 30 एमएलए रह गए थे। माननीय श्री लैता उमरे जी बहुत ही सीनियर मोस्ट मेंबर है अरुणाचल स्टेट के, एक अच्छा नेता है, एक विजनरी लीडर है। वो लोअर दिबांग वैली रोइंग टाउन के एमएलए थे, वो अकेला रह गया। उनको छोड़ के चारों एमएलए 2/3 मेजोरिटी लेके कांग्रेस को शिफ्ट हो गए। उसके बाद में लैता उमरे जी और हम दोनों अकेले जब रह गए पार्टी में, तो यहाँ ममता दीदी भी बहुत ज्यादा डिस्करेज हो गए, डिमोरलाइज हो गए। तो उन्होंने पार्टी का कोऑर्डिनेशन, और वो खुद भी बिजी थी बंगाल की इलेक्शन में, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के वजह से मजबूरन हमें वो पार्टी यूनिट डिसॉल्व करना पड़ा। और सिर पे पंचायत इलेक्शन चढ़ा हुआ था तो हमें अपनी इलेक्शन की, अगली इलेक्शन की रणनीति तैयार करनी थी। तो हम ना कांग्रेस गए ना बीजेपी गए, हम सीधा अपने प्रदेश के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में हम शिफ्ट हो गए। उसके बाद वहां से लैता जी ने पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल जो ग्राउंड है ग्रास रूट लेवल में उस पर बेस बनाना शुरू किया। दुर्भाग्यवश उनको इलेक्शन हारना पड़ा। तो उसके बाद लैता जी ने कहा कि अब आर्या पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर्या पार की लड़ाई बोले तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होना चाहिए। हम बीच में अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज में हम बटे हुए हैं, तो कांग्रेस बहुत मजबूत है। हमें कांग्रेस को जड़ से हटाना है और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी से लड़ना है तो हमें बीजेपी में रहना चाहिए। इसीलिए हमने जब पूरी होशो हवाज में हमने ऑफिशियल तरीके से विचार विमर्श किया, उसके बाद हम बड़े भाई ताई तागक जी के रेसिडेंट में पाचिन कॉलोनी में गए, उनके साथ सुबह से लेके शाम तक बातचीत हुई। हाँ, उस समय वो ताई तागक जी बीजेपी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट थे। उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद हमने ग्रुप मार्जिंग किया रोइंग टाउन में जाकर के। हमने एक पूरी अपनी जो एक कंप्लीट फॉर्मेलिटी के साथ हमने पार्टी में ज्वाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कोकाई तापिर गांव, कोकाई रोदिन पार्टिन जी, बहुत सारे दिग्गज नेता लोग थे बीजेपी के, अनेक अभाग अभी भी जीवित थी उस समय, वो जीवित थी तब, बहुत सारे ऐसे नेताओं के साक्ष में हमने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद हम बीजेपी के लिए काम करते रहे, ये बात है 2014 की। तो बीजेपी के लिए काम करते रहे, उसके बाद मैंने 2016 में बीजेपी क्विट किया, क्योंकि जिस कांग्रेस से लड़ने के लिए हम बीजेपी में आए और बीजेपी का मेंबर बने और कांग्रेस मुक्त अरुणाचल बनाने की मिशन से हम बीजेपी ज्वाइन किए, 2014 में हमने ज्वाइन किया, तो 2016 पहुंचते सारे के सारे कांग्रेस के चोर बीजेपी में घुस गए, बीजेपी ने सबको ले लिया। तो फिर डिफरेंस क्या रह गया था, फर्क कुछ भी नहीं थी, तो मजबूरन हमें बीजेपी को छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद आज हम एक आम जनता है, तो क्या मैं एक आम जनता होने के नाते अपने हित के लिए क्या मैं आवाज नहीं उठा सकती। आपका ये कैसा बयान था कि जिस इंसान की, जिस महिला की फास्ट में पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशंस रहे हो, वो आज आम जनता के लिए आवाज नहीं उठा सकती, वो आज अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम की मेंबर नहीं बन सकती, ये कैसा बाह्यात सवाल था आपका। मेरे भाई महेश जी, आप जरा गौर फरमाइए अपने सवालों पर, और अरुणाचल की जनता आप सब भी जरा इस पे गौर फरमाइए कि क्या मैं, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में रही हूँ, मैं कभी स्टेट के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने लोगों के लिए कभी मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने की मैंने कोशिश जाहिर की, इच्छा जाहिर की, और मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती थी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता क्या है, पब्लिक की आवाज, पब्लिक के बिहाफ में असेंबली में जाना, एमएलए बनना, पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए काम करना, उसके लिए मैंने कोशिश की, तो उसमें कौन सा पाप हो गया। हालांकि पब्लिक ने मुझे, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक ने मुझे नहीं चुना, तो कम से कम कुछ लोगों ने तो मुझे चुना, अपना मुझे रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने स्वीकार किया, कोशिश तो की मुझे असेंबली में भेजने की, दुर्भाग्यवश मैं असेंबली में उस समय एंटर नहीं हो पाई।
ये मोहेश चाई जी को मेरा सवाल था, जिस तरीके से आपने मेरी हिस्ट्री निकाली है, आप और हम, मैं पहले बोल चुकी हूँ अरुणाचल के आप बेटे हो, मैं बेटी हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं शायद आपकी याददाश्त में कमजोरी हो गई हो, एक दो चीजें आप भूल गई हो, तो मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कुछ तथ्यों को लेकर के आई हूँ, आपकी याददाश्त पे जोर डालिए। नकुल चाई जी जो थे वो महेश जी आपके बड़े भाई थे। नकुल चाई जी का आपका इमीडिएट बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, उनका पॉलिटिकल जर्नी इस प्रकार रहा। 1990 में वो जनता दल पार्टी के वो MLA चुने गए थे। 1995 में वो MLA हार गए। उसके बाद 1999 में उन्होंने जनता दल पार्टी को छोड़ के INC ज्वाइन किया। उसके बाद में 2004 में वो INC MLA बने। उसके बाद में 2009 में वो TMC ज्वाइन किया, मेरे पार्टी को ज्वाइन किया, उस वक्त के पार्टी जब मैं TMC में थी। फिर वो टिकट लिया और वो हार गए। उसके बाद 2014 आती है, तो 2014 में नकुल चाई जी का टाटा बाय बाय हो जाता है और डॉक्टर महेश चाई जी की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। तो डॉक्टर महेश चाई जी, आपने डॉक्टर प्रोफेशन को रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद आप 2014 में आप आए, BJP का टिकट लिया और आपने AJU कंस्टिट्यूएंसी से आपने MLA नॉमिनेशन भरा। आपने BJP के टिकट से नॉमिनेशन भरा, लेकिन आपका फंडिंग कौन कर रहे थे उस समय के कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर प्लेट काली को भूल जी, वो कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने आपको स्पॉन्सरशिप किया। और ये सारी चीजें सारे जनता को पता है, लोहित डिस्ट्रिक्ट के सबको पता है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस का सहारा लेकर आप BJP में एंटर हुए और BJP के MLA बने। में जितने पॉलिटिकल पार्टीज में मेरी अफिलिएशन रही है उस पर आपने प्रश्न चिन्ह किया और आपने सवाल उठाया, तो यही सवाल आप पे भी लाजमी होता है कि आपका परिवार का, आपका बड़ा भाई कभी जनता दल में रहे, कभी INC में रहे, कभी TMC में रहे, और आप BJP में आए लेकिन सहारा लिया INC का, तो आप में और मुझ में फर्क क्या है? क्या मैं कहूंगी महेश चाई जी आप स्टेट के हित के लिए आवाज मत उठाइए? मैं कभी नहीं कहूंगी। आपको पूरा हक है और ये आपका कर्तव्य है। जब एक बार आप पब्लिक के मैदान में उतर चुके हो तो पब्लिक के हित के लिए हमेशा आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जो मैं कर रही हूँ वो काम आपको करना चाहिए। आज आप BJP पार्टी के ऊंचे पद पर बैठे हो, ऊंचे मुकाम पर हो, तो आपका दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी की रक्षा करें, अपने लोगों की रक्षा करें और भ्रष्टाचार नामक राक्षस को आप लड़ाई करें और उसको जड़ से उखाड़ के फेंके, ना कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने में आप उसका समर्थन करें और उसकी नुमाइंदगी करें। ये बड़ी शर्म की बात है मेरे भाई डॉक्टर महेश चाई जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी बहन डॉक्टर शीतल आपसे कह रही है कि आप शर्म कीजिए, शर्म कीजिए अपने लफ्जों पर, शर्म कीजिए अपनी सोच पर। और 2017 में आप, 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद 2017 में आपको कैबिनेट मिनिस्टर में इंडक्ट किया जाता है। आपके पास डिपार्टमेंट्स थे हॉर्टिकल्चर, ध्यान से सुनिए कितने डिपार्टमेंट्स के वो मिनिस्टर थे, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, कितना डिपार्टमेंट हुए? इतने सारे 6-7 डिपार्टमेंट के आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे अरुणाचल में, तो आप बताइए आपके मिनिस्टरशिप में आपने इन सारे डिपार्टमेंट के जरिए अरुणाचल को कितना लाभ पहुंचाया और क्या क्या प्रावधान आपने दिया है? उन सब चीजों को लेकर के आप मीडिया में आइए और एग्जाम्पल दीजिए कि जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर में था तो मैंने ये काम किया है, ये मैंने डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं, इतना मैंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है, ये जरा आप हमें खुलकर बताइए। क्योंकि CBI और ED आएंगे तो आप पर भी इंक्वायरी होगी। जितने लोग मिनिस्टर रह चुके हैं, जितने लोग पावर में रह चुके, उन्होंने पावर का कितना यूजफुल मैनर में यूज किया या मिस यूज किया या मिस अप्रोप्रिएट किया, उसी पर तो हम CBI और ED की मांग कर रहे हैं। तो ये महेश चाई जी मेरा आपसे सीधा सवाल था, मैं बताती हूँ आपने कितने लोगों का फायदा किया है। जितनी मेरी जानकारी, छोटी जानकारी के हिसाब से, मिनिस्टर बनने के बाद में अपने सबसे पहला फायदा किया है, अपने प्राइवेट घर में आपने एक बैडमिंटन क्लब बनाया है, जबकि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे।
तो ये फायदा आपके घर को हुआ है। एक बैडमिंटन क्लब आपने बनाया है अपने प्राइवेट रेसिडेंट में, उसके बाद में आपने एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाई है तेजू टाउन में, टी चाय कॉलोनी में, मैं पूरा ब्यौरा दे रही हूँ, टी चाय कॉलोनी में आपने एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाई है। जब आपकी पूरी जिंदगी में आपकी डॉक्टर की प्रोफेशन की सर्विस लेंथ में आपने वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाई, जैसे ही आप मिनिस्टर बन गए तो आपके पास इतने पैसे कहां से आ गए ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाने की, आपकी हैसियत रातों रात कैसे बढ़ गई, ये मेरा सवाल है आपसे। ये फायदा आपने खुद को पहुंचाया है, ना कि अरुणाचल के जनता को। उसके बाद में आपने 2019 के इलेक्शन के बाद आप शादीशुदा इंसान हो, परिवार वाले हो, बच्चे वाले हो, अपने बीबी और अपने बच्चे को छोड़ करके आप हमारी एक लेडी को, एक इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर को लेकर के आप थाईलैंड भाग गए और कुछ दिन वहां गुमसुदगी में चुपके रहे, थोड़ा मौज मस्ती किया, जो किया पता नहीं, मैं तो साथ में नहीं थी इसलिए मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो भी हुआ होगा आप सब सोच सकते हो। तो उस लेडी इंस्पेक्टर को लेकर के आप थाईलैंड भाग गई, उसके बाद में आपने लेटर ऑन उनसे आपने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली आपने, और दूसरी शादी करने के बाद आप आज उनके लिए एक आलीशान मकान बना रहे हो, एक आलीशान मकान बना रहे हो। ये कहां पर बना रहे हो? नियर बाय पीडब्ल्यूडी एक्सप्लोसिव हाउस, जो कि एक गवर्नमेंट लैंड है, वहां पर आप एक आलीशान मकान बना रहे हो अपनी दूसरी वाइफ के लिए। ये डेवलपमेंट्स आपने किया है डॉक्टर महेश चाई जी। उसके बाद आपने और एक डेवलपमेंट किया है, एक अपने लिए नया एक जमीन का टुकड़ा दुकान के साथ लगा हुआ आपने खरीदा है करोड़ों के दाम में, ये आपने खरीदा है तेजू बाजार में, 1100 स्क्वायर मीटर की जमीन है, दुकान का नाम है गिफ्ट सेंटर, और ये आपने खरीदा है नितिन अग्रवाल जी से करोड़ों की दाम में। ये डेवलपमेंट्स आपने किया है। अरे भाई, अरुणाचल में जब भी कोई एमएलए बन जाता है और मिनिस्टर बन जाता है तो फायदा किसका होता है? अरुणाचल के आम जनता का होता है कि उस एमएलए और मिनिस्टर का होता है? देखा देखी 7-8 डिपार्टमेंट्स आपके हाथ में आने के बाद आपने जितना भी फायदा किया केवल और केवल अपना फायदा किया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको करप्शन कहेंगे कि क्या कहेंगे? तो इसी करप्शन को तो हम मुद्दा उठाकर यहाँ आए हैं। हम तो निकले थे 18 लोग, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते आज पूरी 99.9% पब्लिक आज इस करप्शन को लेकर के आपसे प्रश्न कर रहे हैं। प्रशासन में जितने लोग बैठे हुए हैं आपसे प्रश्न कर रहे हैं। और डॉक्टर महेश चाई जी, आपने कहा नेशनल स्टूडियो में, नेशनल मीडिया के स्टूडियो में हमने 10 पॉइंट का चार तरफ डिमांड टांग के रखा और हमने एक भी पॉइंट पर बात नहीं किया, हम अलग अलग मुद्दे पर बात किए। आपने यहां तक कहा कि उनको तो पता भी नहीं होगा कि वो 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स किया है। अरे भाई, क्या अरुणाचल में आप अकेले एक एकलौता पढ़े लिखे व्यक्ति हो? केवल आपको ही पता है, हम सबको तो पता नहीं है, हम सब बेकार वाले हैं, गवार हैं। मतलब हम 10 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड टांग कर रखे हुए और हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे, मतलब हम बेकार हैं, हम बेवकूफ हैं, हम गवार हैं, हमको नहीं पता। तो जरा आप आइए ना यहाँ जंतर मंतर में। मोहेश जी, आपका तो फ्लाइट का टिकट भी सरकार ही उठा लेगी ना, सरकार के एक्सचेकर से आप ट्रेवल करोगे, आपका होटल का खर्चा भी अरुणाचल सरकार उठा लेगा। तो आप आ जाइए ना यहाँ जंतर मंतर में और हमें बारी बारी कैसे बताइए कि 1 से लेकर 10 तक हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है हम नहीं समझ पा रहे, तो आप हमें समझाइए ना। आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर आप इतना भी नहीं कर सकते? तो आइए आप, प्लीज मैं आपको वेलकम करती हूँ, हमारा टीम ऐसी आपको वेलकम करता है, आप आइए हमें समझाइए, यहाँ पर आइए। वहां 4-5 मीडिया चैनल के बीच में बैठ करके, मीडिया वालों ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोल बोल के उनको चन्ने के जार में मत चढ़ाइए। 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी को किस तरीके से आप लोग उसका कत्ल कर रहे हो, उसका सबूत पूरे बाजार में घूम रहा है। लोअर सुबनसिरी के डेप्यूटी कमिश्नर ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी कर दिया है मीडिया के ऊपर में, बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ आप कहते हो कि यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ उसी 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की मर्डर करते हो खुलेआम। कितनी गंदगी भरी हुई है यार आप लोगों के दिमाग में,
इतनी सारी गंदगी कहां से आते हैं? जितनी गंदगी हमारी यमुना नदी में लोग डालते हैं ना, जितने फैक्ट्री से निकल के आते हैं, वो तो बहुत कम पड़ जाएंगे आपके दिमाग के गंदगी की तुलना में। बड़ी शर्म की बात है। महेश चाई जी, आप बहुत कंफ्यूज हो यार। पहले आप खुद को पहले क्लियर कर लो कि आपका निशाना किस पर है। आपका निशाना गेगोंग अपांग जी पर है, आपका निशाना गोजन गादी जी पर है, आपका निशाना किस पर है? वो कौन सी लेडी थी बीएमएस की प्रेसिडेंट बोल रहे थे महेश जी? ये बीएमएस क्या होता है मुझे नहीं पता। जहां तक मुझे लगता है, मेरी छोटी सी जानकारी कहती है, शायद भारतीय मजदूर संघ होंगे। तो बीएमएस की कोई प्रेसिडेंट महिला है जो अपनी लोकल हमारे आदि डायलेक्ट में वो कुछ बोल रही थी, उसके ऊपर महेश चाई जी उसको बेस बनाकर मेरे ऊपर प्रहार कर रहे थे कि उसने साबित कर दिया कि तोको शीतल जी दिल्ली आने के लिए कितना लाख लेती है और अरुणाचल जाने के लिए कितना लाख लेती है। तो डॉक्टर महेश चाई जी, आप और आपका वो सो कॉल्ड बीएनएस प्रेसिडेंट, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर एट जंतर मंतर, और साबित कीजिए कि मैं दिल्ली जाने के लिए कितना लाख लेती हूँ और दिल्ली से अरुणाचल आने के लिए कितना लाख लेती हूँ। विथ एविडेंस आप इसको प्रूव कीजिए। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो इस तरह की बाहियात बयानबाजी करने के लिए आपको मैं डिफेमेशन सूट फाइल कर सकती हूँ। यू आर लायबल फॉर ए डिफेमेशन सूट। जानकारी रखिए, पढ़े लिखे होना आप। मैं आप जितनी तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन दुनियादारी मुझे भी समझ में आती है। जितना मुझे जरूरत है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, उतना पढ़ा लिखा मैं भी हूं। इसीलिए डॉक्टर महेश चाई जी, ये बेबुनियाद बयानबाजी मत कीजिए और बेकार की ये बदतमीजी मत कीजिए मीडिया के सामने आकर के। इसे मैं बदतमीजी ही कहूंगी अगर आप मेरे ऊपर इतनी बड़ी लांछन लगा रहे हो। अरुणाचल में क्या बिना पैसे की इलेक्शन लड़ी जाती है? आज के डेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, फास्ट एज में। तो जबकि मैं दो बार इलेक्शन हार चुकी हूँ, तो मेरी अपनी भी तो कोई हैसियत होगी ना। आप लोगों की तरह 40-50-100 करोड़ की तो हैसियत नहीं है, कुछ लैक्स की तो हैसियत मेरी भी होगी, तभी मैंने दो बार इलेक्शन भी अटेंड किया होगा। तो क्या दिल्ली आने के लिए मुझे किसी और से पैसा लेके आना पड़ेगा? या फिर मनोज जी आपने मुझे दिया था क्या? अभी तक दिए नहीं हो तो दे दीजिए। सरकार में आप लोग बैठे हो, आपने अपना बहुत फायदा कर लिया है मिनिस्टर में रह करके। अब मिनिस्टर नहीं हो लेकिन चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर हो, तो आपके एडवाइस पे तो बेचारा चीफ मिनिस्टर करप्शन किए जा रहा है। एक्चुअली हम लोग गलत कर रहे थे, हम लोग करप्शन का बाप पेमा खांडू जी को कह रहे थे। अब इनके बयानबाजी के बाद मुझे लगता है कि सारा करप्शन का बाप तो यही है, केवल इकलौता इंसान है डॉक्टर महेश चाई, क्योंकि ये एडवाइजर है ना सीएम के, तो ये एडवाइस करते रहते होंगे कि भाई पेमा ऐसा करो, यहाँ से इतना रुपया निकालो, वहां पे इतना रुपया ट्रांसफर करो, पब्लिक को ऐसे बेवकूफ बनाओ, मुद्दा ऐसे उछालो करके आप अपने फायदे के लिए बेचारा प्रेमा भाई को भी मिसयूज कर रहे हो। ये गलत बात है डॉक्टर महेश चाई जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका निशाना कौन है। गेगोंग अपांग जी है, कांपा बिंग्या जी है, गोजन गादी जी है, ये लोग जो भी महान दिग्गज लोग है, कौन है? हमारे स्टेट के ही सब पूर्वज फॉर्मर मिनिस्टर्स है, फॉर्मर एमएलए है। गेगोंग अपांग जी के बारे में तो कोई शब्द नहीं है, 23 ईयर्स वो चीफ मिनिस्टर बन के अरुणाचल को उन्होंने चलाया। उसके बाद में गोजन गादी जी की बात करें तो वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, कई डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रहे और कई बार उन्होंने पंचायत लेवल से अपना पॉलिटिकल जर्नी शुरू किया। तो क्या मैं जो सीबीआई और ईडी की डिमांड कर रही हूँ, कल को अगर सीबीआई लग जाती है, ईडी लग जाती है, छापेमारी होती है, तो क्या ये छापेमारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक सीमित रहेंगे? ये छापेमारी तब तक जाएंगे जब पहली बार पीके तोंगोन जी चीफ मिनिस्टर बने थे अरुणाचल में, वहां तक पहुंचेंगे। किन किन चीफ मिनिस्टर ने कितना कितना घोटाला बाज किया है अरुणाचल में, राइट फ्रॉम पीके तांगुन टू एट प्रेजेंट पेमा खांडू, सारी चीजों की हमें इंक्वायरी चाहिए। यही तो हम मांग कर रहे हैं कि अरुणाचल में इतने सारे फंड्स भारत सरकार भेजते हैं तो वो फंड्स जाता कहाँ है? अरुणाचल के निर्माण के लिए, अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे पैसे जाते कहाँ है? कौन सा ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा कि एक कुल्हारी आओ मेरे पैर पे गिर जाओ और मुझे काट दो? आपको क्या लगता है गेहूं अपांग जी स्पॉन्सर करेंगे सीबीआई के लिए, ईडी के लिए? गोजन गादी जी स्पॉन्सर करेंगे सीबीआई के लिए, ईडी के लिए? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको ये लगता है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। अगर कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो वो गरीब इंसान स्पॉन्सर कर सकता है जो कभी पावर में नहीं रहा और कभी उन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया,
जिसने कभी किसी का डेवलपमेंट कर्टेल नहीं किया, बहुत जेन्युइन इंसान, बहुत जेन्युइन पढ़ा लिखा नौजवान यूथ इसको स्पॉन्सर कर सकता है कि हाँ हमें करप्शन से आजादी चाहिए, हमें सीबीआई चाहिए, हमें ईडी चाहिए। तो उसके लिए वो नौजवान कौन है आज के डेट में जिनकी नौकरी आप लोगों ने 40-45 लाख में बेच के खा दिया, जो एपीसीएस के एस्पिरेंट्स है, जो हमारे इंजीनियर डिग्री होल्डर है, जो डॉक्टर डिग्री होल्डर है, जो हमारे प्रोफेसर डिग्री होल्डर है, लेक्चरर डिग्री होल्डर है, टीचर डिग्री होल्डर है, वो यूथ हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो माता स्पॉन्सर कर सकती है जिनको कुछ नहीं पता, जिनकी विडो पेंशन भी आप लोग खा जाते हो, जिनकी ओल्ड एज पेंशन भी आप लोग खा जाते हो, जिनके गांव में बिजली पहुंचानी चाहिए वो बिजली को पहुंचाते नहीं हो लेकिन करोड़ों रुपया आप लोग गबन कर जाते हो, वो माता स्पॉन्सर कर सकती है। वो पिता स्पॉन्सर कर सकते हैं जिनको आपने गांव का रेप कोट दे दिया, गांव बुरा तो बना दिया और उसका साल भर का ऑनोरेरियम आप लोग नहीं दे पाते हो। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पॉन्सर कर सकते हैं जिनको आपने एम्प्लॉय तो बना दिया लेकिन उनकी सैलरी नहीं देते हो। वो टीचर एसोसिएशन स्पॉन्सर कर सकते हैं जिनके 12-12 महीना से सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है सरकार के पास। तो ऐसे लोगों का स्पॉन्सरशिप हमें चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर कोई राजनेता है जिसमें हिम्मत, जिसके दिल में दिलेरी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीबीआई आ जाए तो ईडी आ जाए तो भी आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो और आपको पूरा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि चाहे जिस प्रकार की भी इंक्वायरी हो जाए आपके लाइफ को आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप आ जाइए आगे, स्पॉन्सरशिप कीजिए हमें अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को स्पॉन्सरशिप कीजिए। हम किसी के डोनेशन या किसी के स्पॉन्सर को मना नहीं करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम, चाहे वो गेगम अपंग जी ही क्यों ना हो, गोजन गादी जी ही क्यों ना हो, और भी जितने तपक लिंडो जी ही क्यों ना हो। अरे आप लोगों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा यार। अपने पिता समान बड़े भाई जो कि हमारा बीजेपी का सीनियर मोस्ट लीडर है, कोकाई तमियो तगा जी तक को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। कितनी शर्म की बात है। वो इंसान तमियो तगा जी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, वो मिनिस्टर भी रहे तो बड़े शान से रहे, उनके पास आज भी कुछ नहीं, ईटानगर में वो आज भी रेंटेड हाउस में रहते हैं। उस इंसान तक को आपने नहीं छोड़ा घसीटा। कितनी गंदगी भरी हुई है आप लोगों के, और कितने चालबाज हो आप लोग, कितनी चालें चलोगे, जितनी भी चालें आप चलते गए सारे चाल फेल होते गए। तो यहां पर मैं आपको कह रही हूं कि आप कंफ्यूज हो, पहले आप खुद को क्लियर कर लीजिए। अरे कोई ढंग का व्यक्ति भेजिए ना जो आपके और मेरे मुकाबले का हो, हमारे टक्कर का हो। ये भारे के ठकुओं को भेजकर उनसे प्रेस ब्रीफिंग करवा के उसके अगले दिन खुद दिग्गज बनके योद्धा बनके प्रेस में बैठकर ऑन द बेसिस ऑफ बीएमएस प्रेसिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पीटीएम, ऑन द बेसिस ऑफ एचई गंगोत्रा, उन लोगों का बात लेकर के आप हम पर प्रहार क्यों कर रहे हो? आपको क्या लगता है इससे जनता आपसे खुश होंगे, जनता संतुष्ट होंगे? आई डोंट थिंक सो। ये भारे के तत्वों को अगर लगवा कर आप उनसे प्रेस ब्रीफिंग करवाओगे, उनको खरीद परोख करके उसके बाद हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि जनता बेवकूफ है, मासूम जनता है अरुणाचल के, जल्दी बेवकूफ बन जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। खुद को क्लियर कर लीजिए। आप इतने पढ़े लिखे हो, सेंसिबल हो, मैच्योर हो, एक्सपीरियंस हो, ये गलती दोबारा मत कीजिए। ये मैं आपको डॉक्टर महेश चाय जी को बोल रही हूँ। और आपको बोलते बोलते डॉक्टर महेश चाय जी, आपको आखिरी सवाल आपको मैं देके जा रही हूँ। जिस दिन आप राजनीति छोड़ दोगे, आप पेंशन ले लोगे, रिटायरमेंट ले लोगे, क्या आप अपनी रिटायरमेंट के एज में आप अपने लोगों के लिए बात नहीं करोगे? आप अपने राज्य के लिए आप बात नहीं करोगे? अपने लोगों के मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करोगे? जब तक आप मिनिस्टर में थे और जब तक अभी आप रूलिंग पार्टी के एडवाइजर हो तो सिर्फ आप लोगों के लिए बात करेंगे। जब आप पार्टी में नहीं रहेंगे, एक आम इंसान बन जाएंगे, आम व्यक्ति बन जाएंगे, तो क्या आप करप्शन के ऊपर, चाहे कोई भी इश्यू हो, कोई भी मुद्दा हो, आप उस पर चर्चा नहीं करोगे? ये मेरा सवाल है आपसे। इसका जवाब मुझे जरूर लिख कर भेजिएगा, इन राइटिंग में आपके हाथ के खूबसूरत हस्ताक्षर डाल के मुझे भेजिएगा कि हाँ जब मैं बीजेपी से निकल जाऊंगा तो मैं अरुणाचल के हित के लिए कोई बात नहीं करूंगा और अरुणाचल के हित के लिए बात करना पाप है, ये आप मुझे लिख कर दीजिएगा। और ये जो एक वर्ड है पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालती हूँ। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता क्या है? अगर हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम कहते हैं कि पेमा खांडू का
किसी महिला के साथ में उसका इलीगल रिलेशनशिप है, या फिर पेमा खांडू ने तोको शीतल के घर से चोरी किया है, या पेमा खांडू ने किसी इनोसेंट इंसान की कत्ल की है, या फिर कुछ भी उल्टी सीधी तिरछी हम उस पे अगर हम एलिगेशन डालते तो आप कह सकते थे कि पेमा खांडू के ओपोनेंट ने, ओपोजिशन ने इनको मोटिवेट किया है ये सब बोलने के लिए। तब आप वो पॉलिटिकल मोटिवेशन वाला टैग लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल मोटिवेशन वाला टैग लगाने की तो मुझे कोई भजाएं दिखाई नहीं दे रही है। क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रही है अरुणाचल में? खुला लूट मचा के रखा है, एक तानाशाही सरकार चला रहे हो आप लोग। तानाशाही का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप का कहां है? जब कोई किसी पर भी एलिगेशंस लगा देता है और किसी के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करता है, भारत के झंडे के ऊपर प्रश्न करता है, हमारे इंडियन होने के ऊपर, हमारे इंटेग्रिटी के ऊपर प्रश्न करता है, कोई हमारा ह्यूमिलेशन करता है, उसके अगेंस्ट में पूरा मास जाकर के FIR लॉन्च करता है, तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो? उस वक्त तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट बहरा हो जाता है, गुंगा हो जाता है, आप पावरलेस हो जाते हो। उसके बाद में जितने भी अरुणाचल के जनता जाकर के अरुणाचल के साथ सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किया बोल करके कोई भी रिपोर्ट लेकर के जाता है तो आप कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं करते हो। लेकिन आपका पेड किया हुआ, आपका पेमेंट किया हुआ, आपका स्क्रिप्ट किया हुआ, आपका फिल्म बनाया हुआ का एक्टर या एक्ट्रेस कॉमेडियन जाके मीडिया में कुछ भी बक देता है तो आप बहुत जल्दी इनिशिएट करते हो एक्शन। आप सीधे एकदम मोड पे आ जाते हो, एक्शन ले लेते हो। ये तानाशाही सरकार नहीं है। और दूसरा, अभी अभी मैंने बोला, आप प्रेस मीडिया के ऊपर में अपना कंट्रोल रखना चाहते हो, रिमोट चलाना चाहते हो, तो ये डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट नहीं है, आप पूरा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला रहे हो। और तीसरा, जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप उसके ऊपर भी एक रिमोट चला देते हो कि करप्शन के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा, जो भी कोई बात करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो क्या ये डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट नहीं है? आप पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला रहे हो। आप चाहते हो कि जनता वही मुड़े जहां आप रिमोट दबाए। क्यों भाई? हमने आपको चुना है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको भेजा है सत्ता में हमारे हित के लिए काम करने के लिए। यू पीपल आर अवर सर्वेंट, यू आर नॉट अवर बॉस। वी पब्लिक आर द अल्टीमेट बॉस, वी आर द बॉस बिकॉज वी हैव वोटेड यू एज वेल एज वी आर पेइंग टैक्सेस। चीफ मिनिस्टर मीन्स चीफ सर्वेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स काउंसिल ऑफ सर्वेंट्स। हमारे पास में 12 सर्वेंट्स हैं अरुणाचल में, और 12 सर्वेंट्स के नीचे और भी कई चेले हैं। हर एक डिपार्टमेंट में हमने अलग अलग सर्वेंट्स रखा है। पीएचई डिपार्टमेंट में हमने पीएचई के लिए सर्वेंट रखा है, पावर डिपार्टमेंट में पावर के लिए सर्वेंट रखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ के लिए सर्वेंट रखा है। तो आज हमारा सर्वेंट हम ही पर सीना जोरी कर रहा है। भाई लोकतांत्रिक देश वही है, लोकतांत्रिक देश में प्रजातंत्र सबसे बड़ा होता है। वही प्रजा जिसने आपको वोट देके अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, ना कि आप हमारे बॉस बन जाओ। आप प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दो और अत्याचारी के ऊपर आप तानाशाही करना शुरू कर दो, ये कौन सा न्याय है इस देश में? आज हम इस धरना के मंच से, जंतर मंतर से हम कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेशन तब होता जब पेमा खांडू जी का कोई अल्टरनेट कैंडिडेट होता और वह कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। पेमा खांडू जी को बदनाम करो, इनको गाली गलौज करो, इनके नाम को खराब करो, जो चीज वाकई में नहीं हुआ है उस चीज को आप लोग बोलो, उसके बाद इनको हम हटवाएंगे पार्टी लेवल से, फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बोल के कोई अगर दावेदार होता तो पॉलिटिकल मोटिवेशन होता। यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेशन कहाँ है? अरे भाई इतने दिन से रोना में किस बात की रो रही हो कि कोई ओपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी नहीं है स्टेट में? स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी होना चाहिए, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए बात करने वाला कोई पार्टी होना चाहिए। जब भी किसी राज्य या किसी देश में स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी नहीं होता है तो डेमोक्रेसी बैलेंस नहीं होती है, तब डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आ जाती है। तो यही तो मैं इतने दिन से कह रही हूँ, इतने सारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी से हमारे स्टेट में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी,
जो कि बीजेपी का एकदम सुप्रीम अपोजिशन पार्टी है, प्राइम अपोजिशन पार्टी है, उसके साथ में हमारा स्टेट का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल है, हमारे राज्य में जनता दल यूनाइट का भी है, जेडीयू का भी है, पार्टी प्रेसिडेंट है वो, हाल फिलहाल में काउंसिलर है हमारे। उसके बाद में हमारे राज्य में अभी आम आदमी पार्टी का भी गठन हुआ है। हमारे राज्य में और कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप लोग क्यों गूंगे हो? जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, इलेक्शन पे आप लोग किस मुद्दे पे आओगे, क्या लेकर के आओगे जनता के बीच में कि आपने क्या काम किया है, सरकार से क्या सवाल पूछा है? यही कि आपने सरकार से चापलूसी की है, सरकार के साथ मिलकर आपने करप्शन को बढ़ावा दिया है। जितना जिम्मेदार ये सरकार करप्शन करने में, उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हो जो साइलेंट बैठे हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्यों चर्चा नहीं करते हो आप लोग? ये आपका ड्यूटी है। आप अगर आज करप्शन के मुद्दे पर चर्चा करते और आप इस मुद्दे को लेकर के यहाँ दिल्ली आते, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते, तो हम आम जनता को क्या जरूरत थी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पैदल निकल के आने की? ये बड़ा सवाल है उन सौ कोल पॉलिटिकल पार्टीज को, उन लीडर्स को। तो पॉलिटिकल मोटिवेशन यहाँ कहां पर है, मैं सवाल कर रही हूं। महेश चाहल जी एडवाइजर हो आप सीएम के, आप बता दीजिए यहाँ पॉलिटिकल मोटिवेशन कहां पर है? इतने कंफ्यूज रहते हो भाई, कभी बेचारे उस बुरे बाप अब अपंग जी को बदनाम करने की कोशिश करते हो, उसको घसीटने की कोशिश करते हो, कभी गोजन गांधी जी को घसीटने की कोशिश करते हो। क्या ये लोग, क्या ये लोग अभी एमएलए है, असेंबली में है ये लोग अभी? अगर ये लोग अभी एमएलए होते, असेंबली में होते और ये लोग आपके पार्टी में होते, तो आप इनका नाम लेते तो सुनने में भी जरा अच्छा लगना था। करप्शन के ऊपर में अगर कोई चर्चा करता है, कोई अच्छा नागरिक चर्चा करता है और करप्शन के अगेंस्ट में लड़ने वालों को कोई अगर समर्थन देता है, तो उसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन कहां से होता है, ये मुझे बताइए। आज के डेट में गोजन गांधी जी एक आम इंसान है, आज के डेट में गेहूं अपांग जी एक आम इंसान है, वो लोग अगर करप्शन के अगेंस्ट में लड़ने वालों का अगर समर्थन भी कर भी रहा है, तो इसमें गुनाह क्या है, इसमें पाप क्या है, ये मुझे बताइए। क्या करप्शन के अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहिए? करप्शन को हमें यूं ही मतलब घूट घूट कर पीना चाहिए, ये आप कहना चाहते हो? बंद कीजिए ये ड्रामा, पॉलिटिकल मोटिवेशन करने की ड्रामा। या फिर आप मुझे ही बता दीजिए कि मैं कौन से पॉलिटिकल पार्टी से अभी बिलोंग कर रही हूं। कभी आप मुझे जेडीएस बनाने वाले होते, तो कभी आप कांग्रेस बनाने वाले होते, कभी पीपीए बनाने वाले होते, यार मेरा पार्टी कौन सा है? शायद आपको पता नहीं है कि मेरा पार्टी बीजेपी है। और आप जो ये बार बार पॉलिटिकल मोटिवेशन का टैग लगा रहे हो ना, आज मैं सार्वजनिक रूप से यहां से ऐलान करती हूं कि अब मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस भी जाऊंगी। हमारे दिल्ली में जो बीजेपी का नेशनल पार्टी ऑफिस है, वहां पर भी मैं जाऊंगी अपने मेमोरेंडम को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के, और पार्टी के हर एक नेता से मिलने की कोशिश करूंगी और अपनी यातनाओं को बताऊंगी, अपनी समस्याओं को बताऊंगी। जेपी नड्डा जी से मैं मिलूंगी, यहां तक अगर मुझे मुमकिन हुआ तो मैं मोहन भागवत जी से भी अपॉइंटमेंट लूंगी, उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगी। और साथ ही साथ हमारे अरुणाचल के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमें अपॉइंटमेंट दे चुका है, उनसे मिल चुके, तो बच गया 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ईस्टर्न अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल तपिर गांव जी है, उनसे भी हम अपॉइंटमेंट मांगेंगे। मिलने का अवसर वो प्रदान करता है कि नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी मिले। और हमारा जो राज्यसभा का सांसद है श्री नाभम रेबिया जी, उनसे भी हम मिलेंगे, क्योंकि नाभम रेबिया जी और तपिर गांव जी और किरण रिजिजू जी, आप तीनों अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके यहाँ दिल्ली में बैठे हो, तो अरुणाचल की समस्या किसकी समस्या है? आप तीनों का समस्या है। आप तीनों को ये समस्या सुलझा लेना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन आपने आंख बंद कर लिया, आपने कान बंद कर लिया, और आप यहाँ पर हमें अनाथ की तरह, बेसहारा की तरह सड़क पर दर दर की टोकरे खाने के लिए हमको छोड़ दिया। फिर भी हम आपके दरवाजे तक जाएंगे, हम आपको खटखटाएंगे, बाकी आप सुनवाई करते हो नहीं करते हो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं।